हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि संपूर्ण स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, सुंदरता और परमानंद सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप बोलेंगे छोड़िए ना, ये सब बातें तो फिल्मों और किताबों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसा होता कहाँ है। देन इट इज द राइट टाइम टू चेंज योर थिंकिंग, क्योंकि अगर आप चाहें तो इतना ही नहीं, बहुत और भी आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं शायद मैं फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही हूँ। यस, यू आर राइट, मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि यही एक पावर है जो आपको जीवन में सब कुछ दिला सकता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करने के पहले दो बातें सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप ये दो बातें नहीं सुनेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये वीडियो नहीं सुन के अपनी अपॉर्चुनिटीज और अचीवमेंट्स को नहीं जान पाएंगे, और उससे बड़ी बात ये आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि 19 साल की बियांका आंद्रेस्कू ने ऐसा क्या फार्मूला अपनाया, ऐसा क्या फार्मूला किया कि उसने न केवल टेनिस की सबसे बड़ी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को न केवल हराकर यूएसए खिताब जीता, यूएसए ओपन का खिताब जीता, बल्कि लिसन मी केयरफुली, उसने 27,50,00,000 रुपए की प्राइस मनी भी जीती। यू बिलीव मी, उसने एक पर्टिकुलर सिद्धांत और फार्मूले यूज किए थे, और वो सेम फार्मूले और पैटर्न्स मैं अपनी हाईली पेड सबकॉन्शियस माइंड की क्लासेस में सिखाती हूँ। हो सकता है मेरे इस वीडियो से मेरे कुछ स्टूडेंट नाराज हों, पर आई बिलीव वो इस बात से हैप्पी भी होंगे कि उन्हें वो सेम सेशन बिना किसी चार्जेस के अगेन रिपीट करने का या रिवाइज करने का चांस मिल रहा है। और बिलीव मी, ये चांस आपको भी है कि बिना किसी पेमेंट के आप इस वंडरफुल फार्मूलेस का जो पैटर्न है वो सीखें और बियांका आंद्रेस्कू के समान अपने हर इच्छा को पूरा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। आप सोचेंगे अरे लक्ष्य तो निर्धारित नहीं होता है, यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो कुछ महीने पहले आपके फेवरेट अंकल या मामा के बेटे की शादी थी, तब ऑल ऑफ अ सडन आपको मालूम पड़ा और उस डेट पे आपने सोचा कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम परफेक्टली हर चीज को पूरा करेंगे, अच्छे से डांस भी करेंगे, अच्छे ड्रेसअप होंगे, कंफर्टेबली आप जर्नी में जाएंगे, एवरीथिंग, और आपने सब कुछ वो गेट किया। क्यों? वो भी तो लक्ष्य था, वो तो आपने बड़े इजीली अचीव कर लिया। उसका कारण है कि आपने उस लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बस वो बन गया। उसी प्रकार आपकी लाइफ में जो चाहिए वैसे ही कोई एक लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता है। बियांका ने भी ऐसा ही किया। आगे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो फार्मूला है वो ये है कि आपको अपने उस लक्ष्य पे अडिग रहना है, चेंज नहीं करना है। आप बच्चे नहीं है कि लक्ष्य बनाया फिर बच्चों के समान आज ये करना है कल वो करना है। आपको उस अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से अडिग रहना है। आप खुद सोचिए ना, एक टैक्सी ड्राइवर जिसे आपको पैसे देने हैं, अगर आपने उसको एक एड्रेस बताया वो आपको ले जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आप सोचेंगे नहीं यहाँ नहीं कहीं और जाना है, नहीं नहीं रहने दीजिए कहीं और जाना है, तो वो टैक्सी ड्राइवर भी आपको बीच रास्ते में बिना कुछ बोले रूडली उतार देता है। तो आप सोचिए कि डिवाइन, जो सबकॉन्शियस माइंड, जो मोर देन डिवाइन है, इक्वलेंट टू डिवाइन है, वो आपको कहां पहुंचाएगा? कहीं भी नहीं। इसलिए सेकंड पॉइंट है, सेकंड फार्मूले का पैटर्न है कि आपको अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। जैसे जैसे वो लक्ष्य नियर आए आपको उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद तीसरा फार्मूला है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आपको बहुत केयरफुली समझना और सीखना है, वो है कि आपको अपने जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे इमेजिन करते रहना है। उसके कोई भी लक्ष्य जब हमें मिलना रहता है तो उसके पहले उसको ऑडियो, वीडियो, इमेजिनरी, साउंड, ये सब जरूरी रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लक्ष्य नहीं मिल पाता है। बियांका आंद्रेस्कू ने भी वही किया। वो तो छोड़िए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने जरूर सुना होगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक बच्चा है, अगर आप बच्चे को कोई भी चीज बोलिए, रूडली बोल दीजिए करके आ जाओ, तो करेगा नहीं बल्कि रोने लगेगा, आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आपने क्या किया उसके साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये करना है कि बच्चे को प्यार से समझाना है, पुचकारना है, बताना है, उसे म्यूजिकली बताना है, और कुछ तो नहीं कम से कम ड्रॉइंग करके आपको बताना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड,
ही और शी विल अंडरस्टैंड द सिमिलर वे में जब आप इस प्रकार से कुछ सिचुएशन बनाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रेडी हो जाता है। बियांका एंड्रेस्कू ने भी यही किया, उसने यूएसए ओपन खिताब जीतने के पहले 4 साल पहले 2015 में उसने एक डमी चेक बनवाया, उसके ऊपर अपना नाम लिखा, उसके बाद प्राइस मनी जो 27,50,00,000 रुपए की प्राइस मनी लिखी उस पे और ऐसी जगह लगा दिया जहां पे वो उसे लगातार देख सकती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो लक्ष्य के नजदीक आती गई वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते गया और आखिर उसने 1999 में सेरेना ने पहला यूएसए खिताब जीता था। आपको जान के आश्चर्य होगा तभी बियांका का जन्म भी नहीं हुआ था और उसके 19-20 साल के बाद वो यूएसए ओपन खिताब उसने जीता और उस सबकॉन्शियस माइंड के उस सेटिंग के कारण उसे वो इनाम भी मिला। एक और फार्मूला है जो लास्ट बट नॉट लीस्ट है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वो ये है कि जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसको इमेजिनरी देखते हैं कि वो मिल गया है पर उसे महसूस भी करना है, आपको अंदर उसे फील करना है। अगर आपको वो मिल गया तो आप कैसी लाइफ जिएंगे, कैसा आपको लगेगा। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, अगर वो सोचे कि अभी 3 बजे हैं, 5-6 बजे जब मैं घर जाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया से गरम गरम समोसे ले जाऊंगा, चटनी ले जाऊंगा और घर में उसे खाऊंगा। जब वो सोचेगा, यहां तक कि आपको सुन के भी मुंह में पानी आ गया होगा, तो उस व्यक्ति के डेफिनेटली मुंह में पानी आया ही होगा, पर अभी तो उसने समोसे देखे भी नहीं है, सिर्फ सोचा है। जब खाएगा तब खाएगा, सिर्फ सोचने मात्र से जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मुंह में लार दे सकता है, सलाइवा दे सकता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो प्राइस मनी भी दिला सकता है, हमारी वो सक्सेस भी दिला सकता है। फर्क इतना है कि आपको उस चीज को महसूस करना है और उसे इमेजिनरी मिल गया है महसूस करना है, क्योंकि डिवाइन के लिए छोटी या बड़ी चीज में कोई फर्क नहीं है। तो आई होप आपने मेरे ये जो भी मैंने आपको इस वीडियो में तरीके बताए, फॉर्मूले बताए, सिद्धांत बताए, उसे करना जरूरी है। और बिलीव मी अगर आप स्टेप वाइज करेंगे, अगर उस फॉर्मूले को या उस सिद्धांत को सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सीधी सी बात यह है कि अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को लेते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को लेते हैं तो पानी बनता है। अगर आप कुछ भी मिला देंगे तो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बता पाएगा कि उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो सिमिलर वे में आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बना लेंगे तो डिवाइन को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सो आई होप आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप में से कुछ ये बोलना चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर लेते, तो उसके जवाब में मैं यही बोलूंगी कि जब जहां जैसा जो जितना मैंने चाहा है मुझे वो मिला है और मैं बहुत ही हैप्पी हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। नाउ इज योर टर्न और टेक योर टर्न। ओके, हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव लाइफ। थैंक्स अ लॉट।